अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बात कुछ करेंगे हम बजट के बारे में भी, आज पंजाब का भी बजट पेश हुआ है। लेकिन उससे पहले जो बहुत अहम मसला, सबसे अहम इस वक्त मुल्क में मसला है कोरोना वायरस का, और कोरोना वायरस के हवाले से आपको मालूम है कि फैलता चला जा रहा है और तेज़ी से फैल रहा है। ये अहम जो चीज़ बताने की है वो ये नाज़रीन के जून के महीने में 68,000 केसेस जो हैं पहले 15 दिनों में जून के आए हैं, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि एवरेज जो केस है दिन के वो 4,500 के करीब हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि आपको ये भी याद है कि पंजाब की हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से ये मई 15 की एक रिपोर्ट थी जो सामने आई थी, और उसमें ये कहा गया था कि जी ये कहा जा रहा है कि लाहौर में और पंजाब में हालात बिगड़ेंगे और इस वजह से लॉकडाउन की ज़रूरत है, सख्ती करने की ज़रूरत है। वो रिपोर्ट वैसे तो फॉर्मली आई नहीं बाहर, उसको मीडिया ने रिपोर्ट किया, फिर उस पर बात हुई और ये कहा गया पंजाब की हुकूमत की तरफ से कि हाँ ये बात हुई है, लेकिन ये तो एक ओपिनियन है। अब ये लगता है कि जो ओपिनियन थी वो हकायक पर मबनी थी। और उसकी एक और भी जो निशानदेही चीज़ करती वो ये कि आपने देखा कि NCS जो है, यानी कि नेशनल कमांड और ऑपरेशन जो एक बॉडी बनी हुई है सेंट्रल, उसकी तरफ से आज जो एक इशू हुआ है सर्कुलर, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में 20 शहर हैं जहां के वबा फैल रही है काफ़ी तेज़ी से, और वहाँ सख्त एक ज़रूरत होगी कि लॉकडाउन किए जाएं। और अब आप उसको जो मर्ज़ी नाम ले लें, आप उसको स्मार्ट कहें, अनस्मार्ट कहें, ग्रूवी कहें, कुछ कहें, सवाल ये है कि इस वक्त ये हकूमत को भी समझ आ रही है जो फेडरल गवर्नमेंट है कि बड़ी तेज़ी से ये फैल रहा है और इस पर अब कुछ करने की ज़रूरत होगी। ये भी नाज़रीन बिल्कुल मुसद्दका इतलात हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर लाहौर गए हैं तो वहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स थे और जब वहाँ ऑफिशल्स थे, उन्होंने बिल्कुल का बारहा का रिपोर्ट्स ही बताती हैं कि उन्होंने कहा जी लॉकडाउन की ज़रूरत है, इसको करना है क्योंकि हालात बिगड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि नहीं, लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने, आप सुनिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर में कल कुछ बातें की, सुनिएगा। था ये होगा, हमें, मैं हमेशा आपके सामने आके कहा कि हम जो कोरोना वायरस का जो सारी दुनिया में हम देख रहे थे, तो पाकिस्तान में भी हमें पता था कि ये टाइम के साथ बढ़ती जाएंगी हम बात, क्योंकि वायरस फैलती जा रही है। और जब हमें ये भी पता था कि जब हम लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे तो उसी तरह इन्फेक्शन भी बढ़ती जाएगी। ये नाज़रीन इस पर इंशाल्लाह कल परसों प्रोग्राम करेंगे तफसील में, कि ये बात बड़ी क्लियर है कि शुरू दिन से हुकूमत ने अपनी पोजीशन बदलती गई है। प्राइम मिनिस्टर कभी शुरू में उन्होंने कहा फ्लू होगा की तरह है, फिर कहा कि नहीं कुछ ऐसा नहीं, फिर उन्होंने कहा आप सुने, आप लोग बात माने और आप करेंगे तो बात बनेगी। हमारे यहाँ मिनिस्टर भी आते रहे, एडवाइज़र जो हैं एडवाइज़र, उन्होंने ये फरमाया कि जी पाकिस्तान के लोगों का मिजाज देख लें। जब हमने कहा कि जी शुरू में के SOPs पे कोई फ़ाइन होगा, ये वो, अगर नहीं उस पर लोग अमल करेंगे, तो उन्होंने कहा लोगों का मिजाज देख लें, अपना सोशल सेटअप देख लें। बात ये है कि ये कहना पड़ेगा कि आखिर और ममालिक हैं जहाँ उन्होंने लॉकडाउन किया और उसके नतीजे में ये रुकी, यानी कि फैलाव जो था वो कम हुआ, और यहाँ बातें ये होती रहीं कि जी आप मगरिब की बात कर रहे हैं, आप इधर की बात कर रहे हैं, आप अमीर लोग हैं, आप कह रहे हैं लॉकडाउन करें। इस वक्त नाज़रीन एज वी स्पीक पाकिस्तान में मसलन जो हेल्थ, जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है, उधर जो ब्लॉक है सेक्रेटेरिएट में, उसके बहुत से लोगों को हुआ है, ओवरसीज़ के बहुत से लोगों को हुआ है, नैब के बहुत से लोगों को, और ये हम सपोर्ट स्टाफ की बात करें, ये कोई हम रिची रिच की बात नहीं कर रहे, आम लोग 50-50, 60-60, नेशनल असेंबली का जो स्टाफ है उसमें कोई फिगर 60 है, कोई 80 है, इतने ज़्यादा लोग हैं जो कि जिनको कोरोना वायरस हो रहा है। और आप और हम जो, यानी कि जो घरों में बड़े बैठे हैं, वो तो हम आराम से बैठेंगे, जो इन लोगों को हो रहा है इस वक्त हर तबके को हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, आप पिछले 2 दिनों से ये खबरें सुन रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं, ये कहा जा रहा है वहाँ लगे हुए पोस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत से, तमाम में नहीं, बहुत सी जगह लिखा है कि अब जगह नहीं, अब बिस्तर नहीं मिलेंगे आपको, अब आप किसी और हॉस्पिटल में जाएँ। और साथ साथ हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो फिगर्स दिए हैं उससे भी पता चल रहा है कि जो हमारे हेल्थ इस वक्त प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं,
उनको कोरोना का वो शिकार हो रहे हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल इस्लामाबाद में मेरा खुद वहाँ जाना हुआ पिछले दो दिनों में, और वहाँ भी हालात ऐसे हैं, वहाँ डॉक्टर्स को हो रहा है, नर्सिस को हो रहा है। तो हालात जो हैं, ये तो सवाल उठेगा, अभी हम इस पर नहीं जाते, लेकिन सवाल तो उठेगा कि क्या हमें पहले लॉकडाउन होना चाहिए था ज़्यादा सख्त। और अब भी आपने देखा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने लाहौर में आज उन्होंने अनाउंस किया कि हम कोई इलाके हैं जहां हमें सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा, और ये भी कि हर इलाके में कोरोना वायरस के केसेस हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं। अब सड़कों को लॉकडाउन करेंगे, क्या करेंगे, ये कुछ अब ये तो बात तय है कि कोई लॉकडाउन की तरह का कोई चीज़ होगी। अब उसको आप लॉकडाउन ना करें, उसको जो नाम दे दें, लेकिन जो तेज़ फैलाव है और जो तेज़ी से हो रहा है, उसके नतीजे में वही प्रेशर जिसकी पहले बात हो रही थी, वो प्रेशर्स हमारे पर अब पड़ रहे हैं। तो इस पे नाज़रीन आज बात करेंगे, और आज ये भी हम आपको बताएं कि लॉकडाउन पर जब बात होती थी तो हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता था, फेडरल गवर्नमेंट खास तौर पे, कि जी क्या क्यों कह रहे हैं आप, जो गरीब लोग हैं आपको उनका ख्याल नहीं है। और वो ख्याल तो भाई था, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से कोरोना वायरस फंड पर फोकस किया, और जो उन्होंने सेफ्टी नेट्स बनाए, उन्होंने जो प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम था उसके तहत लोगों को सपोर्ट दी। लेकिन असद उमर साहब ने आज पार्लियामान में नाज़रीन असद उमर साहब की और ख्वाजा आसिफ साहब की काफ़ी ज़रा बहस हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी सियासी तकरीर भी की, बहुत सियासी बातें भी की, हम उसमें नहीं जाना चाहते आज। लेकिन असद उमर साहब ने सुनिएगा वो क्या कहा लॉकडाउन के हवाले से, सुनिए। कहते कि इमरान खान और असद उमर, ये जो दिहाड़ीदार है इसकी दिहाड़ी छीन लो, ये जो ठेले पे पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है इसको बंद कर दो, ये जो गरीब ताजर छोटा ताजर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बाहर निकलना चाहता है इसको घर पर बंद कर दो। बताएं तो, खोल के बोले ना कि आपकी स्ट्रेटजी है क्या। नाज़रीन ये बड़ी अजब बात है, ये नहीं समझ आई कि किसने कहा है कि जी ये बंद कर दो, उनको दिहाड़ी बंद कर दें, ये कर दें। ये तो करना पड़ेगा, यानी कि 8-8, 10-10 दिन आप सख्त लॉकडाउन करें। सख्त का मतलब ये कि हाँ, आप लोगों का जो आपस में मिलना जुलना है उसको कम करें तो रिस्ट्रिक्ट होगा। आखिर हुकूमत ये कर ही रही है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट नहीं है, थोड़ी इस तरह सिचुएशन बन सकती थी यकीनन, जहाँ के आप लोगों का जो ख्याल है वो भी रखते हैं, जैसे रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा हमने नहीं कभी देखा पहले कोई ऐसा हुक्मरान जो कि जिसको इतना एहसास हो। लेकिन ये जो कोरोना पर बात जिस तरह से चली है, दिस हैज़ बीन मिसहैंडल, इस पर तफसील में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब, PMLN के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। चौधरी मंजूर साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सेंट्रल लीडर हैं। बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं, इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, एडवाइज़र टू द पंजाब गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब। इशफाक तोला साहब भी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम इससे पहले कि कोरोना पर आएँ कि जो इस वक्त जो उसके हेल्थ डायमेंशनज हैं और ये इसको रोकथाम कैसे होगी, हम थोड़ा सा कोरोना के पस मंज़र में जो कि बजट बना है उस पर भी बात कर लेते हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी कि बजट जो बना है बहुत मुश्किल हालात में बना है। तो बात करते हैं, शुरू ज़रा हम करते हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब से, और इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो पंजाब का बजट भी आज आया है और सेंटर का भी बजट जो आया है, सेंटर के बजट में ये कहा जा रहा है कि जी आपने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, लोगों के जो मुश्किलात हैं वो अपनी जगह है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आपने इंडस्ट्रियल क्लास के लिए, बिजनेस क्लास के लिए जो कि इंजन होगा ग्रोथ का इस बुरे वक्त में भी, उनको इंसेंटिव नहीं दिए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी नसीम, आई थिंक एक आपने बिल्कुल सही बात की है कि बहुत ही मुश्किल हालात में ये बजट बन रहा है, और वो मुश्किल हालात क्या हैं उसमें कुछ तो आप करंटली कोरोना की वजह से जो मुश्किलें हैं वो हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना के आने से पहले भी हालात जो थे वो बहुत मुश्किल थे, और उसकी वजह ये थी कि हम एक IMF प्रोग्राम में थे जो बड़ा सख्त प्रोग्राम था, और उसमें हम ग्रोथ को नीचे ला रहे थे और स्टेबलाइजेशन का वो प्रोग्राम था, एंड आपने बहुत से प्रोग्राम्स भी उस पर किए कि एक्सचेंज रेट को चेंज किया गया, इंटरेस्ट रेट्स को चेंज किया गया, करंट अकाउंट डेफिसिट को नीचे लाने की कोशिश की गई, और
फिस्कल डेफिसिट पे, प्राइमरी डेफिसिट कंट्रोल किया गया, तो ये चीजें जो हैं ये सारी स्टेबलाइजेशन की थी और ये ग्रोथ के खिलाफ थी। और हमें पता है कि जब स्टेबलाइजेशन होती है तो आपकी एक किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है और जो मार्केट्स में डिमांड क्योंकि कम होती है तो बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर बड़ी भारी साबित होती है। अब उस सिचुएशन के ऊपर ऊपर से कोरोना का वबा आई है जिसने अमंग्स अदर थिंग्स जो हमारे हेल्थ इश्यूज के ऊपर तो बहुत ही एक बहुत बड़ा एक बड़े इश्यूज बन गए हैं हेल्थ के, लेकिन उसके साथ साथ जितने बड़े हेल्थ के इश्यूज हैं उतने ही बड़े इकोनॉमिक इश्यूज भी बन गए हैं। क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस पहले स्टेबलाइजेशन की वजह से हमें मुश्किल थी तो वो हम बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि प्रोडक्शन आपकी खत्म हो गई, आपके जो खत्म हो गई हैं वो बंद हो गई और आपके बाजार बंद हुए, तो उसकी वजह से आपकी इनकम्स खत्म हो गई क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई। और जब आपकी आमदन खत्म हो जी डिमांड भी कम हो गई। डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दें, मैं चाहूंगी कि दोनों पार्टिसिपेंट्स के पास जाऊं, आई कम बैक टू यू। मैं जरा चाहूंगी कि इनसे पूछूं, दस्तगीर साहब ये बताइएगा, खुर्रम साहब जो बता रहे हैं इस वक्त सलमान शाह साहब, वो कह रहे हैं इस मुश्किल हालात में जो हमने बजट बनाया उतना ही बेहतर बना सकते थे, उससे बेहतर नहीं कर सकते थे। डंग टपाओ बजट है कि किसी तरह अगले 3 से 4 महीने गुजर जाएं, फिर एक मिनी बजट नहीं एक मेगा बजट आएगा जिसमें फिर ये सारे इकदाम जो IMF ने मैंडेट किए हुए हैं वो ये हुकूमत लेगी। बड़ी सिंपल बात है कि गवर्नमेंट का जो क्लेम है कि हमने टैक्स फ्री बजट दिया है, साथ ही ये कहा है कि इस साल के मुकाबले में 1,065 अरब रुपए ज्यादा गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी, रफली कुछ 27% रेवेन्यू ज्यादा इस साल के मुकाबले में इकट्ठा करेगी, तो उनके पास कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो ये किस तरह करेंगे। और जो ग्रोथ नंबर्स के साथ पिछले साल मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन झूठ बोला गया कि 3.3% ग्रोथ हम सबको बताई गई, पार्लियामेंट को बताई गई, कौम को बताई गई, और असल में 1.9% थी। जो कहानी है वो ये है कि कोरोना आने से पहले ही इस हुकूमत ने अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से, एक्स्ट्रॉर्डिनरी डीवैल्यूएशन की वजह से, इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा हाई रखने की वजह से मोशत का पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया था। कि इस साल अगर आप जब इकोनॉमिक सर्वे गौर से पढ़ते हैं तो पाकिस्तान की जो बड़ी सनत है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो तकरीबन 8% सुकड़ गई है और वो पहले से सुकड़ी थी, पिछले साल भी सुकड़ी थी 5.5%, इस साल मजीद 8% सुकड़ गई है। तो यह हालात पहला तो ये क्लियर होना चाहिए कि कोरोना आने से पहले ही तबाहकुन थे। ऊपर से जो गरीबों की बात की करते हैं बार बार वजीर आजम, दिहाड़ीदारों की बात करते हैं, उनके लिए इस बजट में कोई चीज नहीं क्योंकि गरीब और दिहाड़ीदार को जो चीज सबसे पहले चाहिए, आटा मुल्क में अवेलेबल नहीं है, चीनी हर रोज महंगी होती जा रही है, हर जो फूड इन्फ्लेशन है पाकिस्तान की वो कंट्रोल में नहीं आ रही, और टड्डी दल को ना रोकने की वजह से ये जो हमारे दिहाड़ीदार और गरीब लोग हैं आने वाले दिनों में भी इनको बड़े भयानक खुर्दोनोश के जो फूड क्राइसिस है उसका सामना करना, उसके लिए हुकूमत ने कोई प्लानिंग नहीं की। तो ये एक अजीब और गरीब बजट है जो सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए तो बना दिया गया है, जो फेवरेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको खुश करने के लिए तो बना दिया गया है, सिगरेट वालों को खुश करने के लिए फिल्टर्स को जो है सस्ता कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए और जो संजीदा सोच चाहिए थी इस क्राइसिस में वो बिल्कुल ही इस बजट में मौजूद नहीं है। और एक गरीब दुश्मन माफिया ब्रेक लेते हैं नाजीन जी, ब्रेक लेते सब हमें इजाजत दें, गॉट योर पॉइंट नाजीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चौधरी मंजूर साहब के पास आएंगे, उनसे पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी का इस पे क्या मौकफ है और ये कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता था। रेवेन्यू जो है वो सुकड़ता गया, जाहिर है कुछ कॉस्ट हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे वो लोन वापस करने के, चाहे डिफेंस के, चाहे पेंशन्स के, ये तमाम जो कॉस्ट हैं उसको तो आप नहीं कम, आपने नहीं किया कम और कर भी नहीं सकते वो इन सम केसेस, लेकिन अब तनख्वाहें कैसे बढ़ती हैं, सो ऑन सो फोर्थ। ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। Well,
वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से और पाकिस्तान में जो बजट बना है नया, जिस पर भी डिबेट हो रही है असेंबली में, उस पर भी बात कर रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब, आपसे ज़रा ये पूछते हैं कि ये बात तो दुरुस्त है कि सब कह रहे हैं कि टारगेट बढ़ा दिया आपने रेवेन्यू का, टैक्स कलेक्शन का, और रेवेन्यू श्रिंकिंग है, बिजनेस इंडस्ट्री सब कुछ सामने है, तो ये किस तरीके से टारगेट जो बढ़ा है वीआर का, जाहिर है आपकी इस पे पार्टी की क्या पोजीशन है कि क्या मिनी बजट आएगा, आप भी यही कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आजकल बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो वर्कर्स के हैं, मजदूरों या तनख्वाहदार तबके के, तो उसमें एक गाना पाकिस्तान का बड़ा मशहूर है कि तुमको एक शख्स याद आएगा, तो उन्होंने आसिफ जरदारी साहब की तस्वीर लगाई होती है और साथ वो लिखा होता है और गाने गाए होते हैं, रिकॉर्ड किए होते हैं, जुलूसों में वो गा रहे हैं कि जब भी कोई महंगाई से तुम्हें सताएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। क्योंकि आपको याद है ये इनका तीसरा बजट है, तीसरे बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 50% तनख्वाहों में इजाफा किया था और पेंशन के अंदर 20% किया था। सो पहले साल भी आपको याद है 2008 के अंदर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थी तो आलमी बहरान आया था, आलमी बहरान के बावजूद हालात इससे मिलते जुलते थे, पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया की इकोनॉमीज जिस तरह से कोविड में बैठी हैं इसी तरह से उस वक्त भी बैठी थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दो इतना ज्यादा नहीं थे। कैसे जी, ये तो तूफान आया, ये तो कयामत है। नहीं, उस वक्त भी अगर आप देखें $850 बिलियन तो सिर्फ अमेरिका में बैंकों को बचाने के लिए डाले गए थे और सारी इकोनॉमीज तकरीबन माइनस में, लक्ष्मी मित्तल जो स्टील का सबसे बड़ा काम करने वाला था $7 अरब उसको वो जीरो पर चला गया था, इसी से मिलते। एयरलाइंस बैंकक्रप्ट हो गई थी बहुत सारी एयरलाइंस, खैर वो वापस पर निकली 2-3 साल में, और कुछ लोग कहते हैं कि अभी तक 2008 से जो बड़ी इकोनॉमीज थी वो उस तरह से रिकवर नहीं हो पाई, लेकिन खैर आपने कुछ ना कुछ देना होता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बजट किसके लिए है? मजदूर खुश नहीं है, मुलाजम खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, ताजर खुश नहीं है, एक्सपोर्टर खुश नहीं है, तो फिर किसके लिए बनाया ये बजट? इंडस्ट्रियलिस्ट खुश नहीं है, कोई एक तबका फिक्र ऐसा है? और आपको जहां तक ये है कि आप कहते हैं कि भी बहुत मुश्किल टाइम था, हमने कहा था कि 8000 अरब पहले साल का में लोग लाइनों में लगकर टैक्स देंगे, 8000 अरब का रेवेन्यू आएगा, आपको रिलीफ भी मिला है, आपको IMF ने कर्जे रीशेड्यूल किए और $7.5 अरब दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया, आपको इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने दिया, आपको पेरिस क्लब ने रिलीफ दिया, तो आप उस रिलीफ को आगे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। आपने कोविड के लिए क्या रखा है? 70 अरब। आपने इस्लामाबाद के डॉक्टरों के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं दिया, क्योंकि आप देना ही नहीं चाह रहे और नाम सिर्फ गरीबों का लेते हैं। आज भी तकरीर सुन रहा था, रोज गरीबों को दिया क्या है सवाए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त शुरू किया था, उसके सवाए और उसकी भी किस्तें रोकी हुई थी, आपने लोगों को दिया क्या है? कुछ भी नहीं। सो दुनिया में दो किस्म के हुक्मरान है, एक ट्रंपियन स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें ट्रंप है, बोरिस जॉनसन है जिसमें फ्रांस का सदर है, स्वीडन का वजीर आजम है, मोदी है, इमरान है, ब्राजील का सदर है, एक ह्यूमनिस्ट है जिन्होंने कहा कि नहीं इंसानी जिंदगी पहले बचा लो, ये कहते थे मुईशत पहले बचा लो, इनकी ना मुईशत बची है ना इंसानी जिंदगियां बची है। वो कह रहे थे अगर ट्रूडो को देखें कनाडा में देखें, अगर आप एंजेला मर्कल को देखें, अगर आप नॉर्वे को देखें, अगर आप बाकी मुल्कों, और सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो पाकिस्तान के लिए है वो वियतनाम का है, जहां पे 10 करोड़ की आबादी हमारे जैसा मुल्क है और वहां पे सिर्फ 300 केसेस आने दिए हैं क्योंकि वो लॉकडाउन की तरफ चले गए थे और उन्होंने मुईशत भी बचा ली है, मुईशत खोल रहे हैं आप, वो सबसे ज्यादा तेजी से वापस आने वाली मुईशत होगी दुनिया के अंदर, वो 6.8 से 3.8 पे गए, 2.8 पे गए, लेकिन वापस फिर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बचा लिया, सारा सिस्टम बचा लिया। ये अभी तक कंफ्यूज है, अभी तक इन्हें पता नहीं है क्या करना है, तो लॉकस को देखें, हर चीज पे डिले। पिछले साल आसिफ जरदारी साहब ने, खुर्रम दस्तगीर साहब बैठे हैं यहाँ पे, हाउस में थे, हाउस में खड़े होकर कहा था कि ये ऐसा खौफनाक एक वबा है, अगर इस पे आज कंट्रोल नहीं किया गया तो कल को पाकिस्तान तबाही की तरफ होगा, और इस वक्त लॉकस के बावजूद जरात के लिए। अच्छा चौधरी मंजूर, चौधरी साहब अभी आपने बहुत सी बातें की, आपने ये नहीं बताया कि जो आप कह रहे हैं कि तनख्वाहें भी बढ़ाते ये भी करते तो पैसा कहां से लाते, मतलब इनके पास इस वक्त तो रेवेन्यू का इतना, मतलब कि ऑब्वियसली आप सब जी, ये अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ा सके ना। अब रेवेन्यू अगर नहीं बढ़ाया आपने और आपको इतना रिलीफ भी दुनिया से मिला है,
वो रिलीफ जो मिला है उसको कम से कम 400-500 अरब रुपए का तो रिलीफ मिला है, वो लोगों को देते किस। अच्छा चलते हैं सलमान शाह साहब, सलमान शाह साहब वो ये जी सलमान शाह साहब, चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपको दुनिया ने इतना रिलीफ दिया और आपने वो रिलीफ इस्तेमाल नहीं किया लोगों की भलाई के लिए, उनको इस वक्त जो लोग पिसे जा रहे हैं क्योंकि महंगाई भी है, आपको भी मालूम है कि जो इस वक्त खाने पीने की चीज़ों की कीमत है वो तो अनयूजुअली बढ़ रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने उधर क्यों नहीं पैसा लगाया जो कि आपको रिलीफ मिली है। नहीं ऐसी बात नहीं है, आई मीन 1200 अरब का एक रिलीफ पैकेज भी दिया गया और पेट्रोलियम प्राइसेस में भी खासी कमी की गई है। दूसरी बात यह है कि एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए कि इस बजट में एक आईएमएफ की शर्त है वो प्राइमरी डेफिसिट की है और प्राइमरी डेफिसिट इस बजट में 0.5% रखा गया है। इसका मतलब है कि आईएमएफ ने आपको किसी किस्म की फिजिकल स्टिमुलस देने की उन्होंने इजाजत नहीं दी, बल्कि फिजिकल स्टिमुलस की बजाय फिजिकल कंट्रैक्शन दी है, क्योंकि पिछले साल का बजट में जो आपने 9.5% फिजिकल डेफिसिट माना था आईएमएफ ने, इस दफा उन्होंने 7% किया, यानी कि 2.5% उन्होंने ऑफ जीडीपी फिजिकल डेफिसिट कम किया। नाउ इश्यू ये है कि यहाँ तो हम आईएमएफ से निकल जाएं और आईएमएफ को खैरबाद कह दें और उसके बेसिस के ऊपर फिर जो भी हम रिलीफ देना चाहते हैं वो दे दें, और यहाँ फिर हम आईएमएफ की जो शर्तें हैं उनको आप फॉलो करें। अब क्यों है हम आईएमएफ में ये भी सबको पता है, क्योंकि कर्जे ले लेके हमने जी ये सबको मालूम है, बिल्कुल सबको मालूम है। नाज़रीन हमारे साथ अशफाक तोला साहब भी हैं, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, ये हमने अभी सबकी पोजीशन सुनी मुख्तलिफ पार्टीज की, तोला साहब के पास भी आएंगे, ब्रेक लेते हैं और फिर इस पर आएंगे कि यकीनन आईएमएफ फिनालिटी, हालांकि लोग ये कहते हैं कि इस सूरत में जब इतनी बड़ी पैंडेमिक है, इतनी बड़ी वबा है कि इस वक्त अगर डेफिसिट ज़्यादा की तरफ हम जाते तो कुड वी हैव आर्ग्यू दिस विद द आईएमएफ कि इस वक्त हमें कॉन्ट्रैक्शन हमारे लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि इतनी बिगड़ी हुई सूरत हाल है और भी बिगड़ेगी। ब्रेक के बाद बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं बजट पे, अभी आप सुन रहे थे मुख्तलिफ पार्टीज की पोजीशन, अशफाक तोला साहब हमारे साथ हैं इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट। जी तोला साहब, हुकूमत की तो पोजीशन है कि आईएमएफ ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्शन होगी, डेफिसिट आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, जिसकी वजह से जाहिर है कि जो रिलीफ देनी चाहिए थी इनको लोगों को, यानी कि चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं चाहे और आवाम हैं, नहीं दे पाए रिलीफ और जितनी दे सकते थे बिजनेस कम्यूनिटी को वो दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू नसीम साहब। मैं डॉक्टर सलमान शाह की बात को आगे बढ़ाते हुए चलूँगा कि यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप आईएमएफ के साथ रहें, इन कंडीशनलिटीज़ पे चलें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें और ये सारी चीज़ें फेस करें। दूसरा आपके पास है, आप अपने तौर पे आ जाएं, आईएमएफ को खैरबाद कह दें। और ये जो लॉकडाउन, मेरे नज़दीक जो ये लॉकडाउन ना करने की वजह भी यही है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में 8 अप्रैल को या 10 अप्रैल को मैंने एक कैलकुलेशन करके दी थी और ये एक आर्टिकल भी हमारा छपा था कि टू लॉकडाउन और नॉट एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। देखिए नॉर्मली दुनिया में हुकूमतों ने वो बात मानी जो उनके मेडिकल प्रोफेशनल्स ने कही थी कि जी आपको लॉकडाउन करना चाहिए, किस नौयत का लॉकडाउन करना चाहिए और किस तरीके से करें। अगर आज भी आप जाएंगे तो रावलपिंडी में, कल की मैं इतला देता हूँ आपको, देखें एक तो हम कहते हैं जी इतने बेड अवेलेबल हैं, इतने बेड अवेलेबल हैं, मगर आज मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूँ, कल रात की पोजीशन रावलपिंडी की ये थी कि सिर्फ ऑक्सीजन बेड 5 अवेलेबल थे, 5। वो आपको हर पेशेंट को आपको वेंट पर नहीं लेके जाना, तो जो मेन इनका इशू होता है ऑक्सीजन बेड का होता है वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब टू लॉकडाउन और नॉट, हमने उसके सपोर्ट में एक इकोनॉमिक कैलकुलेशन की थी कि हाउ टू ओवरकम दिस पेंडेमिक फ्रॉम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, और हमारी कैलकुलेशन ये थी बेस्ड ऑन द सर्वे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो 2016 में किया गया था, हाउस होल्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेटेड सर्वे, जिसमें 24,368 खानदानों का डेटा इकट्ठा किया गया था पूरे पाकिस्तान से, और उसके ऊपर उन्होंने 5 इनकम ग्रुप बनाए थे।
उसके बाद आप देखेंगे तो आपका एक सेंसस हुआ था जिसमें आपके हाउस होल्ड की तादाद 32.21 मिलियन थी, और इसमें सारा डेटा नादरा के पास है कि कौन फैमिली हेड है उसकी क्या जी। पॉइंट क्या तोला साहब, व्हाट्स द पॉइंट? पॉइंट इज कि हमने जब वर्कआउट किया तो हमें नजर आया 678 अरब रुपए एक महीने की कॉस्ट आएगी। उसको हमने जब बाइफरकेट किया तो उसमें से 144 अरब तो एहसास प्रोग्राम के निकल रहे थे, और बाकी हमने ये कहा था कि दुनिया सारी नोट प्रिंटिंग कर रही है, और आपने भी 11 महीने में माशाल्लाह से 1421 अरब रुपए की नोट प्रिंट कर चुके हैं आप। अगर आप एक महीने के लिए लॉकडाउन करते और इसकी कॉस्ट को आप बेयर कर लेते तो मैं समझता आगे आपके लिए अच्छे रास्ते होते और अच्छे आपकी इकोनॉमी होती। मेरा ख्याल है डरो खौफ ये था कि कहीं ये एक महीने के बजाय दो महीने और दो महीने के बजाय तीन महीने ना हो जाए, तो मेरा ख्याल है एक डरो खौफ था हुकूमत के अंदर भी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ मेरी आजिद राय में जो सबसे बड़ी गलती हुई थी वो आखिरी अशरे में रमज़ान के खोलने के, कि जब आपने देखा होगा कि एक दिहाड़ीदार तबका या छाबड़ी वाला जैसे आपने भी कहा कि उनको कहीं वो भूख से ना मर जाएं, जैसे असद उमर साहब भी आज बड़ी असम्बली में उन्होंने तकरीर की। देखिए आज अगर आप देखें, आप अगर इंडिपेंडेंटली सोचें तो वो तबका था जिसने आखिरी 10 दिन में सबसे ज़्यादा शॉपिंग की है, तो वो पैसा जो हमने इनको उनकी भूख से बचाने के लिए दिया था वो तो शॉपिंग में खर्च हो चुका है। और अब अगेन अब वही बात हो जाएगी कि क्या उनको फिर दोबारा से या तो वो पैसा देना है या अल्लाह ना करे उनके लिए वो भूख मुंतजर होगी। आप आ जाए बजट के ऊपर, जो बजट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बिल्कुल आपने इसका दूसरा पहलू भी सामने लेके आए। नाज़रीन इस वक्त हम ये बजट की जो डिस्कशन है उसको ख़त्म करते हैं, ब्रेक आएंगे, हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे जो लॉकडाउन के हवाले से और जो इस वक्त बढ़ती हुई वबा है उसके हवाले से किस जो हुकूमत इस वक्त स्टेप्स ले रही है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस, आप लोगों का बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब और मंजूर साहब हमें ज्वाइन करने का और तोला साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करेंगे हम इस वक्त जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो हॉस्पिटल्स में इसका इम्पैक्ट हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर असफंदियार, पिम से ताल्लुक है और ये चेयरमैन है पाकिस्तान यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के। शुक्रिया असफंदियार साहब आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं नाज़रीन, लीडिंग फिजिसिस्ट ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर और इस वक्त जो एडवाइजरी ग्रुप है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया उन कोरोना वायरस उसके ये उसको चेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब। अताउर रहमान साहब ज़रा हम अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनसे डॉक्टर असफंदियार से पूछ लूँ कि इस वक्त एक्सपीरियंस क्या जी ऑन द ग्राउंड, जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है मरीजों का। असफंदियार साहब देखिए प्रेशर तो जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है तो जिस तरह हमारे कंसर्न भी था आपके शो में भी हमने ये बताया था कि अगर ये लॉकडाउन खत्म हुआ तो इस पेशेंट का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि जो हमारा जो तबाहाल हेल्थ सिस्टम है वो इसको कंप्लीट करने का जो है ना उसमें ताकत नहीं है। तो वही हो रहा है इस वक्त, तकरीबन 100% ऑक्युपेंसी है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अब बेड्स कम है, पेशेंट ज्यादा है। और ये हमारा जो हेल्थ सिस्टम है ये इसमें ये ताकत ही नहीं है कि इस बोझ को बर्दाश्त कर सके। तो मेरी तो अभी भी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, मैं तो बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने इस पॉलिसी पे आप दोबारा जो है ना उस पर सोचें, इसको रीथिंक करें। और ये जो लॉकडाउन कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपकी कोई साख उससे मुतासर हो सकती, बल्कि ये कौम के लिए, इन गरीब आवाम के लिए ये लॉकडाउन जरूरी है। कम अज कम 2 to 4 weeks कंप्लीट लॉकडाउन से ही हमारा जो ट्रांसमिशन का चैन है वो ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज फिर वो टूटेगा जी। डॉक्टर अताउर रहमान साहब आप सुन रहे हैं ये क्या कह रहे हैं असफंदियार साहब, व्हाट इज योर टेक? आप तो एडवाइजरी ग्रुप को चेयर भी करते हैं और आपका इनपुट भी है एट सम लेवल पॉलिसी में भी, तो आप क्या कहेंगे जो आपको जो ग्राउंड लेवल से आपको मिल रही है इस वक्त रिपोर्ट? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त तो सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और अभी एक रिपोर्ट आई है जो कि इम्पीरियल कॉलेज लंदन में जो मुख्तलिफ ममालिक के लिए जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो, तो उसके तहत
ये बताया जा रहा है कि अगले महीने के आखिर तक कोई रोजाना 70,000 से 80,000 अमवात रोजाना होंगी और 22 जनवरी तक 26 जनवरी तक 22 लाख अमवात हो चुकी होंगी, तो कयामत का समा सामने दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, यू डॉक्टर साहब, ये आप समझ रहे हैं कि रिलायबल है? डॉक्टर साहब, वुड यू गो विद दिस एनालिसिस प्रोजेक्शन? आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ओवर एस्टिमेशन, लेकिन फिर भी अगर इसको आप 20% भी कर दें, इसकी हकीकत हो जाए, 80,000 डेथ्स ना हो, 10,000 हो जाए, 5,000 भी डेथ्स रोजाना होने लगे, अमवात रोजाना होने लगे, तो क़यामत का समा होगा। मेरे ख्याल से तो ये ओवर एस्टिमेशन है, लेकिन फिर भी अगर आपको 10% भी इसका हकीकत बन जाती है तो भी क़यामत का समा है। और नेशन एक तो डॉक्टर साहब 10% बनने के चांसेस है। डॉक्टर साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट योर इनपुट, के लगता है कि 10% हो सकता है दुरुस्त, 10%, 5% भी? बिल्कुल, एब्सोल्युटली 10% बिल्कुल हो सकता है। आपके यहाँ जो इस वक्त जिस अंदाज से, जिस रफ्तार से फैल रहा है, आपका अगले महीने, और आपके प्रोग्राम में ही मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये जो है जून के आखिर तक जो है ये 3 लाख होगा और फिर जुलाई के आखिर तक 12-15 लाख होगा, तो वही उसी ट्रेजेक्टरी पे चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम बात है। डॉक्टर साहब, आई नीड टू आस्क यू, मुझे ये बताइएगा कि आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, योर वॉइस विच इज हर्ड, और ये इतनी सीरियस बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही? आप मुझे ये बताएं कि असद उमर साहब ने आज, असद उमर साहब जो इतने रीजनेबल हैं, आज उन्होंने नेशनल असेंबली में ये जो रिपोर्ट है उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो कलोनियल जो जमाना है, ये उसकी सोच है कि आप गोरे की जो रिपोर्ट है उसको आप देख के ये कह रहे हैं, यानी कि ये तो बड़ा परेशानी का आलम है। हम तो नहीं पैनिक करते इधर बैठ के इस फोरम से, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट विल मेक द प्राइम मिनिस्टर अंडरस्टैंड दिस? यू सी द क्वेश्चन इज व्हाट डू वी डू, हम करें क्या? आप पूरा लॉकडाउन करते हैं तो 4 हफ्ते तक तो लोग भूख से मरने लगेंगे, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने 2 हफ्ते लॉकडाउन किया था, ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा था हम तो बगावत कर रहे हैं, हम हुकूमत कुछ भी कहे हम अपनी दुकानें खोल रहे हैं, हम नहीं मानते। तो इस सिचुएशन में जब लोग मानने के लिए तैयार नहीं है तो हुकूमत गोलियां तो नहीं मार सकती। डॉक्टर साहब, लेकिन ये आप खुद कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि 5,000 अगर लोग मरने लग जाए रोज तो कयामत का समा होगा, तो हुकूमत को कहीं तो इट हैज टू पुट इट फुट डाउन। आप भी जानते हैं कि लोगों का भूख से मरने का सवाल तो नहीं है, यानी कि आप 1 हफ्ता करें लॉकडाउन, फिर थोड़ा ईज करें। आई मीन डॉक्टर साहब, देयर आर वेज ऑफ डूइंग दिस, सर्टनली इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, सर्टनली 4 हफ्ते। आई एम कमिंग फॉरवर्ड विद अ सॉल्यूशन कि जो 600 जगहें हैं मुल्क में आइडेंटिफाई की हैं हॉटस्पॉट्स को, आर्मी और रेंजर्स को बुला के फौरी उन इलाकों को फौरी सील ऑफ करें। देर आर 600 हॉटस्पॉट्स जब इन आइडेंटिफाई, उनको कम्प्लीटली सील ऑफ करें ताकि वहां से जो है नहीं, उससे काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इफेक्टिवली वो लॉकडाउन ही होगा लेकिन पूरे मुल्क का नहीं होगा, पूरी सनअतों का नहीं होगा। उन हॉटस्पॉट्स को आर्मी और रेंजर्स के जरिए कर्फ्यू की तरह सील ऑफ करें और वहां पर सप्लाईज पहुंचाएं, तो ये अभी भी टैकल हो सकता है। दिस इज माय एडवाइस राइट नाउ एट दिस मोमेंट, यू कैन नॉट लॉक डाउन द एंटायर कंट्री। डॉक्टर साहब, हैव यू गिवन दिस एडवाइस? डॉक्टर साहब, आपने हाईएस्ट लेवल पे ये एडवाइस दी है? जी हाँ, मैंने ये अपने राय जो है ये पहुंचाई है लोगों को जो भी हाईएस्ट लेवल पर हैं। जी तो डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि ये डॉक्टर अताउर रहमान साहब अभी फरमा रहे हैं कि जो प्रोजेक्शन है वो कह रहे हैं 5%, और वो कह रहे हैं बिल्कुल हो सकता है 5% दुरुस्त, और वो भी फरमा रहे हैं 5,000 अमवात रोज की हो सकती हैं खुदा ना खास्ता। और इस सूरत में अब क्या डॉक्टर्स एसोसिएशन और क्या करें? जी आप लोगों ने ये बार बार आवाज उठाई है, आप किसी को और अगला स्टेप क्या करेंगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? देखिए, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं एक दफा फिर रिमाइंड कराता हूँ, शौकत खानम हॉस्पिटल जो सर ने अपना इमरान खान ने बनाया था, वो अपनी वालदा साहबा की मौत की वो दुख देख के उसकी दुख को खत्म करने के लिए उसने एक कैंसर अस्पताल बनाया कि कोई इस तरह दुख के साथ न मरे। मैं बड़ा हैरान हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कैसे सोच सकता है कि इंतजार कर रहे हैं कि लोग मरें,
मेरे से ये बात सीरियसली हजम नहीं होती, उनको हेल्थ एक्सपर्ट्स की बातों पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? हम उनको ये बवर कराना चाहते हैं कि हम प्योरली हेल्थ प्रोफेशनल बन के इनसे बात कर रहे हैं, कोई सियासी पार्टी हमारी नहीं है, हमारे साथ किसी कोई सियासी पार्टी की कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, हम अपना फील्ड में बैठते हुए लोगों की ग्रीवियंसिस को, लोगों की तकलीफ को देख के ये बात कर रहे हैं कि आपके अस्पताल इस काबिल नहीं है कि इन लोगों को बोझ बर्दाश्त कर सके, तो क्या आप इस कौम को मरने के लिए छोड़ोगे इस तरह, या लॉकडाउन करोगे? अब ये फैसला इमरान खान ने करना है। करूं आपकी इजाजत जी, बिल्कुल ये प्राइम मिनिस्टर ने करना है, आप सही कह रहे हैं। तो जी, जो इस वक्त जो बहुत सी अमवात हो रही हैं वो कोरोना वायरस से हो रही हैं, लेकिन हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर वगैरह, क्योंकि ये मुख्तलिफ जगहों पे अटैक करता है, ये सिर्फ लंग्स पे अटैक नहीं कर रहा, तो इस वक्त भी जो 100 अमवात की बात हो रही है वो 100 अमवात नहीं होंगी, 500 अमवात के करीब होंगी, और ये आसानी से 10 गुना बढ़ सकती हैं अगले 2-3 महीने के अंदर, लेकिन वो लंग फेलियर से नहीं होंगी, वो बहुत सारे और जो कॉजेज हैं, दुनिया भर में भी बहुत सारी जो अमवात हो रही हैं वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी फेलियर से नहीं हो रही, बल्कि और जो ऑर्गन्स जो जिन पे अटैक हो रहा है उसकी वजह से हो रही हैं, उनको काउंट नहीं किया जा रहा, तो इस वक्त भी अमवात की तादाद यकीनन बहुत ज़्यादा है उन अमवात से जो हुकूमत काउंट कर रही है। डॉक्टर साहब, ये आपने एक बड़ी नई बात की, नाज़रीन आपने सुना डॉक्टर ताऊर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये जो वायरस है जो शुरू में कहा जा रहा था कि ये लंग्स ही को अटैक करता है, इसका मतलब कि रेस्पिरेटरी जो फेलियर होता है उसके नतीजे में मौत वाक़ होती है, डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि अब ये बात इस्टेब्लिश हो गई है मेडिकली कि ये जो वायरस है ये आपकी किडनीज को भी अटैक कर सकता है, ये आपके हार्ट को भी अटैक कर सकता है, और वो कह रहे हैं कि अभी आपकी शायद जो अमवात पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा हैं, क्योंकि 100 तो बस वही फिगर है जो कि रेस्पिरेटरी फेलियर से है। तो डॉक्टर साहब आपका भी, दोनों डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया बहुत प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, ये कहना पड़ेगा प्रोग्राम में कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अपनी पोजीशन को रिव्यू करना पड़ेगा। लाहौर से कल जो रिपोर्ट्स आई हैं, लाहौर में बड़ी क्लियरली ये कहा गया था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि लॉकडाउन इंपॉर्टेंट है, और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पोजीशन ली थी लॉकडाउन इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपने सुना डॉक्टर असफंदियार साहब क्या कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कि इतना उनको एहसास है और उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये लोग जिस तरीके से तेजी से मर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को ये कोई बात कहीं से उनको ये समझ आ रही है कि वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर लॉकडाउन होगा तो लोग भूख से मरने लग जाएंगे, ये बात ये इतनी क्लियर नहीं है कि भूख से लोग मर जाएंगे अगर आप हफ्ता भर लॉकडाउन करें, थोड़ी देर आप खोलें, आप यकीनन पाकिस्तान में इतनी सख्त है रियासत में और जो पूरा सिस्टम है कि आप एक एक हफ्ते के लिए 8-8, 10-10 दिनों के लिए लोगों को पहुंचा सकते हैं घर, खाना और इंतज़ाम हो सकता है, और लोगों वैसे भी इतनी खुदा खौफी है, लोग अपने जो जो मुतवस्सित तबका है वो बिल्कुल देता है, निकलते हैं लोग, खुदा खौफी भी बहुत है। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिव्यू हिज पॉलिसी, और बहरहाल अब लग तो रहा है कि किसी ना किसी तरीके से लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन हालात यकीनन विदाउट बीइंग अलार्मिस्ट, आप जिस डॉक्टर से बात करेंगे वो बताएंगे कि यानी कि बिल्कुल कैपेसिटी तक हेल्थ सर्विसेज पे प्रेशर पड़ा हुआ है। नाज़रीन, खुद खुदा के वास्ते खुद आप लोग अंदर रहें, इसको लॉकडाउन को खुद अपने पे इम्पोज करें, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो ना निकले, मास्क पहने, हाथ धोएं, अपना ख्याल रखें, और आपको पता है आपके कितने प्यारे हैं, कोई नहीं है सब पाकिस्तान में जिसका कोई रिश्तेदार या दोस्त अहबाब जान की जो इस वक्त बाजी नहीं हार चुका। अब ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हुकूमत तो करेगी उसकी तो उस पर तो कह रहे हैं, लेकिन आप भी ख्याल करें। अभी भी हमें मालूम है कि लोग घरों में दावतें भी कर रहे हैं, लोग बाहर भी जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही, खुदा के वास्ते ख्याल करें, एहसास करें, अपना ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें, आपकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करें, और हुकूमत को भी चाहिए कि ज़्यादा सीरियसली इसको ले, और ज़्यादा सीरियसली ले। और असद उमर साहब, कोई नहीं कह रहा कि आप बंद करें लोगों को और उनको ना जाने दें और मार दें और ये कर दें, नॉट एट ऑल, लेकिन ये बात सीरियस है और बहुत क्लियर है कि दिस इज गेटिंग बैड एंड दिस इज गेटिंग वर्स, और स्टेप्स लेनी पड़ेगी ऑन अ वॉर फुटिंग। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी तरफ से इतना ही, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।